हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी तो चाय पीने का टाइम है ऐसे भी, तो मैं कुछ बनाऊंगी चाय के साथ। और ऐसे चाय मैं नहीं पीती हूँ रोज़, तो कभी कभार अगर मन करे या थोड़ा बहुत भूख लगे तो पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं पीती हूँ चाय। माँ और दीदी पीते हैं चाय, मैं और बाबू चाय नहीं पीती हूँ। तो बस आज कुछ बनाऊंगी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है और थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है। तो चलो अभी किचन में चलते हैं, बहुत दिन के बाद मेरा किचन में एंट्री होगा, तो देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और शाम के चाय के साथ मैं खाने के लिए कुछ मैं बनाऊँगी। तो मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले, और उसके लिए मैं 2 केला निकाल ले रही हूँ फ्रिज से। और उसके बाद थोड़ा सा आटा ले रही हूँ, छोटा 1 कटोरी। देखो, आटा के अंदर जो है मैं थोड़ा सा गुड़ डालूँगी और चीनी और थोड़ा सा केला। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी इसके अंदर, मैं जो जो डाली हूँ आप लोगों को दिखाई हूँ। आप चाहो तो नारियल भी पीस के डाल सकते हो, तो मैं नहीं डालूंगी वो सब। तो फ्रेंड्स, ये जो गुलगुले होते हैं ना, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो शाम के चाय के साथ 1 गुलगुले खाएंगे आज। तो गुलगुले बनाने के लिए रेडी हो गया मेरा इधर आटा गूंद के, अभी इसको 10-15 मिनट ऐसे ढक के रखना है मुझे। ऐसे 10-15 मिनट ढक दूंगी ढक के। तो कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और तेल भी गर्म हो चुका है। और देखो मैं जो आटा गूंदी थी, तो अभी गुलगुला बनाना मैं शुरू करूंगी। अच्छे से सेट हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे गुलगुले बना के खा सकते हो कभी भी नाश्ते में, क्योंकि अच्छा टेस्टी लगता है और जल्दी भी बन जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है बनने के लिए, और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगता है। ऐसे आटा और केला ये तो सबके घर में होते होंगे, और चीनी इसको तो बात ही मत करो, सबके घर में ही रहता है, कंपल्सरी है। तो बस ये सब चीज़ें जो जो है मैं बनाई हूँ, शॉर्टकट में बन जाता है, तो काफ़ी अच्छा टेस्टी भी लगता है खाने में। और यहाँ पर मेरा गुलगुले बन गया देखो, और अभी मैं बनाऊंगी चाय, चाय के साथ गुलगुले। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए चाय के साथ गुलगुले। देखो चाय इधर बन रहा है और बस रेडी हो गया, अभी हम लोग अभी चाय पियेंगे। तो चाय पीने के बाद देखो मैं बनाऊंगी रात का डिनर। डिनर में बनेगा आज मूंगा और आलू की सब्जी। तो मूंगा किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस आज यही बनना है, कच्चा मिर्ची और टमाटर के साथ तो मैं बनाऊंगी। और देखो फ्रेंड्स, आजकल ना बहुत सारा लोगों का कमेंट आ रहा है मेरा कि ब्लॉगिंग बनाओ, फिर से ब्लॉगिंग शुरू करो। तो मैं फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइम मतलब 2-3 महीने से मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, आप लोगों को तो पता ही है। मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी, और निकेत अभी छोटा है आप लोगों को तो पता ही है, तो उसको फीडिंग भी करवाना पड़ता है बीच बीच में। तो देखो बीच का वीडियो मैं नहीं दिखा पाए। तो इधर मूंगा का सब्जी जो है बन के रेडी है, और मैं अभी धनिया पत्ता डालूंगी और सब्जी को उतार दूंगी। तो आज का मूंगा का सब्जी जो है एकदम सिंपल तरीके से बनाए हैं, और देखो सब्जी लगभग बन गया। अभी सब्जी में धनिया पत्ता डाल के उतार देंगे। और फ्रेंड्स, अभी मुझे बनाना है रोटी। ऐसे चावल लगभग बन गया और रोटी बनाना है अभी, खाली माँ के लिए बनाऊंगी रोटी। देखो कितना सारा आटा गूंदा ये 4 रोटी ने माँ के लिए, ऐसे चावल बन गया, चावल है। तो बस रात के लिए ज्यादा बनाने का भी फायदा क्या है बताओ, मेरे खराब हो जाएगा, रह जाएगा, बासी खाना पड़ेगा सुबह। खाना सब्जी बन गया, अभी बस 4 रोटी बचा है। खाना सब्जी सब बन गया, अभी बस बचा है रोटी का। तवा इधर गर्म हो चुका है और मैं रोटी को छेक लेती हूँ।
आजकल ना मेरा रोटी देखो अच्छे गोल बन रहा है, और पहले बिल्कुल भी गोल नहीं बनता था। आप लोगों को तो पता ही है, मैं पहले वीडियो पे दिखाई हूँ, बहुत सारा वीडियो है ऐसे मेरा रोटी का, मेरे से रोटी नहीं बनता था, बाबू बना दे रहे थे एक दो बार, और फिर धीरे धीरे मैं अभी रोटी गोल बनाना सीख गई, लेकिन उतना पूरी तरीके से भी नहीं होता है देखो, फिर भी जितना भी होता है ना चलेगा। पहले तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, तो ऐसे देखो रोटी भी मैं सेक लिया, सारा रोटी सेकना होगा। तो खाना वाना बन गया, अभी थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। तो खाना सब्जी इधर बन गया, और मैं यहाँ पे थोड़ा पोछा लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ बर्तन भी है, वो भी धोना है मुझे, और यहाँ पे ना बीच बीच में मुझे निकेट को भी देखने जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो ना थोड़ा टाइम बाद ना थोड़ा आवाज़ दे रहा था, ऐसे रो नहीं रहा था लेकिन रोने का जैसा ही नाटक कर रहा था, मतलब मुंह बना रहा था कैसे, तो अजीब सा, क्या ही मैं बोलूँ। वीडियो बनाते टाइम देखो अभी भी उसका ही आवाज़ आ रहा है, ऐसे साइड में ना वो सोया है अभी, मतलब नींद में नहीं है, खेल रहा है अपने आप। तो बस अभी मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, और ऐसे सबको भी पता है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो पता ही होंगे कि किस तरीके से संभालना पड़ता है बच्चों को भी और काम को भी। ऐसे हम लोग का इतना बड़ा घर है ना, बहुत सारा काम होता है पता है, ऐसे बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे कि शहरों में मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है बड़े घर, मतलब बड़ा वाला घर में, लेकिन बहुत सारा काम होता है। हम लोग के घर में तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है पता है, बाबू वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं ना, उसका मशीन का जो मतलब एक जगह रखना, मतलब अच्छे से सेटिंग करें, सब कुछ बहुत सारा काम होता है ऐसे, मतलब आप लोग को एक दिन मैं फिर से फुर्सत से बताऊंगी, आज बताने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखो बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा बर्तन शाम से चाय वाय पिया वो सब कुछ रह गया था। सबसे पहले मैं खाना बना लिया रात को, और बस उसके बाद यहाँ पे बर्तन धो लिया। और फ्रेंड्स बताना आज का ब्लॉगिंग कैसा लगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग बोल रहे थे कमेंट करके कि पहले जैसा ब्लॉगिंग शुरू करो घर का काम काजों के ऊपर ब्लॉग बनाओ, तो उस टाइप का मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। फ्रेंड्स आप लोग को निकेत का आवाज़ आ रहे होंगे, देखो कैसा बात करने का कोशिश करता है ना, अभी से हाँ हूँ कैसा कैसा करता है, आवाज़ निकलता है। तो फ्रेंड्स ये बताना ज़रूर कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। ऐसे मैं इस टाइप का ब्लॉगिंग ना 3-4 महीने के बाद ही लाई हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, और आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आता है कि दीदी रोज़ वीडियो डालो, रोज़ ब्लॉगिंग करो, ऐसा आप लोग बोलते हो, बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है हर वीडियो में, कमेंट आता है, देखो निकेत बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा ना अभी मेरे से अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, निकेत अभी भी छोटा है आप लोगों को तो पता ही है, छोटा बच्चे को देखना पड़ता है निकेत को, और ब्लॉगिंग भी बनाना पड़ता है। तो मैं सोची कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो डालूंगी, ऐसे एक दिन गैप होगा, दूसरा दिन वीडियो आएगा मेरा, तो ऐसा ही आएगा। तो वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताना।